वेल दोस्तों, वापस स्वागत है एक फ्रेश वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक यूएस के नंबर से अपना टेलीग्राम का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जो सिकलाइन और टेक्स्टनाउ एप्लीकेशन है, इसमें जो नंबर मिल रहा है वो उनको वैलिड नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप वॉच कर लो। यहाँ पर मैं जो आपको आज एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, इसमें आपको जो नंबर मिलेगा वो 95% नंबर जो है वैलिड मिलेंगे, और इसके नंबर से आप अपना टेलीग्राम का अकाउंट आप बना सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस टेलीग्राम को आप फटाफट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्योंकि जो आज मैं एप्लीकेशन यूज करूँगा इस वीडियो में नंबर लेने के लिए, उस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत सारे एप्लीकेशनों का जो लिंक है टेलीग्राम पर आप लोग को देते रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आपको इस यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप एक बाहर के कंट्री के नंबर से अपना टेलीग्राम का अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। वैसे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां पर भी इसका डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो कंट्री रखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। इस वीपीएन में आपको जो कंट्री सेलेक्ट करना है वो यूएसए होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप जो मैं एप्लीकेशन आज देने जा रहा हूँ, इस एप्लीकेशन से आप बहुत सारे कंट्री का नंबर ले सकते हो, लेकिन आपको वीपीएन यहाँ पर जो रखना है वो यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर प्रॉक्सी आपको सेट कर लेना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, 1800 यहाँ पर करेगा ये एप्लीकेशन, तो आपको इसको वॉच कर लेना होगा। उसके बाद ये जो वीपीएन है आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से 8 को मैं कट करता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वीपीएन है हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि जो टेक्स्ट मी एप्लीकेशन है, इसको मैं ऑलरेडी साइनअप कर चुका हूँ। इसी नंबर से हम अपना आज का जो टेलीग्राम का नंबर है इसको निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी इसमें एक नंबर ले चुका हूँ, लेकिन इसको मैं यहाँ से डेटा क्लियर करके टेक्स्ट मी एप्लीकेशन का, इस यहाँ से मैं आपको एक और नंबर लेने का तरीका सबसे पहले आपको बता दूँ। तो वीपीएन कनेक्ट कर लेना होगा सबसे पहले आपको, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है टेक्स्ट मी एप्लीकेशन, इसको दोबारा आपको ओपन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको साइनअप करने का तरीका मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको नंबर मिलेगा। बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि भाई नंबर नहीं मिलता है, तो आप लोग यहाँ देख लो कि टेक्स्ट मी एप्लीकेशन को हम कैसे साइनअप करेंगे। इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको, गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा तो समझ लेना आपको यहाँ पर ये जो नंबर है शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दिया। सिंपल आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे टेलीग्राम में जाकर के कि कौन सा नंबर वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। यहाँ पर मैं सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको जो कंट्रीज में रखना होगा +1 यानी कि यूएसए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर को चेक करेंगे जो कि हमें टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में मिला है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नंबर को लिख लेता हूँ, 213-802-41-62। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये नंबर वैलिड है। अभी हम यहाँ से स्टॉप करेंगे क्योंकि अभी तक हमने इस एप्लीकेशन में इस नंबर को ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे जो नंबर हमने वहाँ पर चेक किया था, उसके बाद कन्फर्म दिस नंबर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नंबर को आपको एक बार टच कर देना है, उसके बाद कन्फर्म दिस नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है जो कि 7 मिनट के अंदर फिलअप कर लेना होगा। आपको यहाँ पर योर ईमेल एड्रेस में एक फेक ईमेल डालना है, ठीक है। और यहाँ जो पासवर्ड का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर कोई भी आप 6 लेटर से ज़्यादा या फिर 8 लेटर से ज़्यादा कोई भी आप पासवर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना एज बता देना है। अब आपको नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको कोई भी आपको यहाँ पर एक जेंडर सेलेक्ट करके नीचे एक रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन बना हुआ है, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर किसी ब्राउजर के जरिए ये ह्यूमन वेरिफिकेशन कराएगा ये एप्लीकेशन, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आई एम नॉट रोबोट के आगे एक बॉक्स बना हुआ है, सिंपल आपको एक बार यहाँ पर टच कर देना है। टच करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है कुछ आपसे यहाँ पर और भी परमिशन लेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत सारे डिवाइस में ये परमिशन यहाँ पर नहीं लेता है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ इमेज सेलेक्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर मुझे माउंटेन और हिल का ऑप्शन पूछा जा रहा है, उसको हमें सेलेक्ट करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत सारे डिवाइस में अलग अलग यहाँ पर आपको इमेज
पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना होगा कौन सा इमेज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये जो एप्लीकेशन है नंबर प्रोवाइड करा देगा आपको, थोड़ा सा वेट करना होगा। और ये जो एप्लीकेशन से जब नंबर मिलेगा आपको, इसको मैं गारंटी से साथ बोल रहा हूँ कि आपका जो टेलीग्राम का एप्लीकेशन है आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं 213-802-4162 जो कि हमने नंबर सेलेक्ट किया था, ये वही नंबर है और हम आसानी से अपना आज का टेलीग्राम का अकाउंट इसी के नंबर से वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए सबसे पहले एक और चीज़ आपको कर लेना होगा, ये चीज़ अगर आप मिस्टेक करते हैं तो मे भी आपको यहाँ पर OTP या फिर कॉल रिसीव नहीं होगा, ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन के सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी परमिशन है यहाँ पर कैमरा कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन फ़ोन जो भी कॉन्टैक्ट है सारे कॉन्टैक्ट को आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से मिस नहीं करना है, बाद में आप लोग कमेंट करोगे कि भाई यहाँ पर OTP रिसीव नहीं हो रहा है या फिर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये जो भी परमिशन है टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन का सब कुछ आपको पहले से इनेबल कर लेना होगा, जैसे ही आप टेक्स्ट मी एप्लीकेशन में आप साइन अप हो जाएंगे। चलिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और मैंने ऑलरेडी नंबर को चेक किया हुआ था, ठीक है। अब आपको नीचे दिखाई देगा एक एरो, आपको सिंपल एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर ऑलरेडी चेक किया हुआ था यहाँ पर, इसलिए नंबर लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर 3 मिनट का काउंटडाउन चलते हुए दिखाई देगा, आप यहाँ देख सकते हैं टेलीग्राम विल कॉल यू, यहाँ पर 3 मिनट लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर टाइमिंग खत्म हो जाए। सो गाइस आप देख सकते हैं टाइम खत्म होने वाला है। अब आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन है वहाँ पर कॉल आते हुए आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉल आ चुका है, चलिए यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और एक्सेप्ट करते ही आपको यहाँ पर OTP सुनाई देगा। थोड़ा सा मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो OTP सुनाई देगा केयरफुली आपको यहाँ पर सुन करके यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। मिस्टेक करते हैं तो आपका जो ये एप्लीकेशन है वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे OTP सुनाई दे रहा है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कॉल आते हुए, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉल को एंड करता हूँ। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम जो कि रिक्वायर्ड है आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिलअप करना होगा। उसके बाद जो लास्ट नेम का जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। और जो नीचे एरो का ऑप्शन बना हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अब आपका जो ये जो एप्लीकेशन है टेलीग्राम आसानी से EVS के नंबर से वेरीफाई हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये वही नंबर है जो कि हमने टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन से फ्री में लिया था। तो अगर आपको टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर VPN को सेट करना होगा सही तरीके से। अगर आप VPN को सही तरह से सेट नहीं करेंगे तो आपका जो वहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है टेक्स्ट मी अप एप्लीकेशन का, वहाँ पर वो शो नहीं करेगा, जिससे कि आपका जो वहाँ पर नंबर है वो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट मी एप्लीकेशन को सही तरह से सेट करें। इन सभी एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग लिंक जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा।